Hi guys, welcome back to my YouTube channel Aruhi's Vlogs. I hope everybody is doing great. So guys, आज है मेरा शूट और हम हैं लोकेशन पर और आज मैं थोड़ा सा लोकेशन शेयर कर देती हूँ आप लोगों से. गाइज पीछे गाने की आवाज़ आ रही है ना इसलिए. सो गाइज अभी अंदर चल रहा है आदिति का मेकअप और आज कैसा लग रहा है मेकअप करवा के? मैंने अमित को बोला है सिंपल मेकअप ही रखना, ज़्यादा डार्क मत करना लड़की का. जी मैडम. और अमित कैसे हो तुम? मैं तो मस्त हूँ. आप बताओ आप कैसे? बहुत अच्छे. कैसा लग रहा है दीदी का मेकअप करके? मुझे वैसे ही लगता है जैसे आप करते हैं. सो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया. कोयल कितनी अच्छे तरीके से आवाज़ निकाल रही है ना, सुनो कितना अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे मैं गाँव में आ गई हूँ. आवाज़ सुन के मुझे गांव वाला फील आ रहा है पूरा. तो गाइज ये पीछे यार, गाइज पता है कॉपीराइट लग जाएगा इस वजह से मैं वीडियो बंद कर करके चला रही हूँ. मुझे आप लोगों से बात करने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो मेरे उस पर कॉपीराइट लग जाएगा. देखो गाइज मैं आपसे बात करने कहाँ जा रही हूँ, देख रहे हो आप? इतनी अंदर की तरफ जा रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी शांति मिले. अभी तो ठीक है. गाइज देखना पूरा खेत ही खेत है ये. वहाँ पे लोग खड़े हैं, वहाँ पे हमारा शूट चल रहा है. जब मैं सुबह यहाँ पर आई थी ना तो मैंने एक टेक किया था अपना. एक टेक करने के बाद मैं जब से रेस्ट कर रही हूँ, मैंने चेंज भी कर लिया है. मेरा ख़त्म नहीं हुआ है. अब मेरा जो शूट है ना वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा रात में, तो मैंने चेंज भी कर लिया है अपना. और अभी आदिति का मेकअप हो रहा है अंदर, सो फिर थोड़ी देर बाद आदिति का भी स्टार्ट हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए आप लोगों को दिखाने के लिए. तो मैंने सोचा तो मैंने वो कर भी लिया. बैंगल्स मैंने अभी उतारी नहीं, पता था बार बार पहनना था. और मैं सो भी गई थी बैग पैक करके, सो कर ही उठी हूँ गाइस मैं अभी. तो बार बार सामान निकालने में, सामान रखने में मुझे आ रहा था आलस, तो मैंने कहा छोड़ो यार पहन के सो जाती हूँ. तो अभी हमने पिए चाय, अभी हमारा शाम का नाश्ता आ रहा है. खाना खा के सोई थी मैं और इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई कि बस शायद मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश लग रही होंगी. अभी मुझे अपना टचअप वगैरह भी करवाना है, मैंने अपना टचअप नहीं करवाया है. सो एक बार मेकअप हो जाए आदिति का, उसके बाद मैं अपना टच. यहाँ पे ना गाइस पता है यहाँ जो जितने भी फार्म हाउस वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे ये सारे ऐसी जगह पे होते हैं, सुनसान जगह पे, ऐसे खेतों वेतों के बीच में ही होते हैं सबसे ज़्यादा. दिखेगा नहीं उस तरफ, इस तरफ तो गंदा पड़ा हुआ है सारा. ऐसे गाइस मैं ना ऐसे चलते चलते इस रूम में आ गई जहाँ पे सारे के सारे कपड़े, और मैं डर गई कि एकदम से क्या हो गया. अभी तो सब खाली था. इसके बगल वाला रूम है हमारा, ध्यान से उतर गया. ऐसा लग रहा है थ्रेडिंग ये मोटी बनाई है, लग रही है. मैंने ध्यान नहीं दिया क्यों? मैंने जब मेट लगाया पेंसिल, कोई ना उसे ठीक करा लेना क्या हो गया. सो गाइस ये रही खुशी हमारी हीरोइन. हेलो कैसे हो आप? सब बढ़िया है. आदिति को अपनी थ्रेडिंग थोड़ी सी मोटी और पतली लग रही है. थोड़ी सी मोटी और पतली. अच्छा कोई नहीं, अभी उनसे बोल के ना ठीक करा लेंगे. हाँ अभी लिपस्टिक भी लगेगी ना तो और ग्लो आ जाएगा. जब मैं सो के उठी ना तो मेरे को बोल रही थी ना आप ना नेपाली नेपाली लग रहे हो, चाइनीज की तरह. मैं सो के उठी तो वैसे सच में मैं लगती हूँ. हाँ लगती हूँ मैं खुद बोलती हूँ अपने आप को कि मैं कब नेवाइज. ये रहे हम, ये देखो पूरे दिन पोताई, पूरे दिन पोताई. अरे ये मैंने चाटने वाली लिपस्टिक ला ली. चाटने वाली गाइस ये अपनी लिपस्टिक खुद ही चाट के हटा लेती है. उन्होंने बोला मुझे लिपस्टिक लगा लो, मैंने कहा मैं उनसे पूछ लूंगी एक बार. इनसे रेड लगा लेना, रेड लगाना, मेहरून मत लगाना, रेड लगाना, रेड ज़्यादा अच्छी लगेगी. पता है अभी क्या हुआ, मैं ना ऐसी बात करते करते ना इस बगल वाले रूम में आ गई और वहाँ ना ऐसे कपड़े फैले. मैं डर गई एकदम से, मैंने कहा इतने कपड़े कहाँ आ गए अभी, अभी तो पूरा खाली था. फिर मेरे को ध्यान आया अगर ये तो बगल वाले रूम है, मैं गलत रूम में आ गई. अब मैं उससे पूछ लूँ बाहर गए अब दिखे नहीं. मैंने मैं अपना ब्लॉग शूट करने ना उधर गई थी, यहाँ तो कॉपीराइट लग जाता ना आवाज़ आती गाने की. यार ये पंखे ना देखने में छोटे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं. ये पूरा मौसम बना रखा है इन पंखों ने. हाँ बस यहाँ पे तो लेटने वेटने का सबका था. गाइस देखो मैं आपको फार्म हाउस दिखा रही हूँ. मैंने घर से स्टार्ट, मतलब बाहर से स्टार्ट करा. करो स्टार्ट, चलाओ अपना व्लॉग, क्या दिक्कत है. गाइस पर हमारा मेकअप रूम इस बार यहाँ मिला है और हमें जाना वहाँ है आगे तक. ऐसे वैसे मेरे साथ तो पहली बार हुआ है कि मुझे इतनी दूर जाना पड़ रहा है, वरना आस पास ही. हाँ आस पास ही, जैसे हम और फार्म हाउस में होते हैं ना तो हमें पास में ही रूम मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा दूर मिला है. उधर लोकेशन, उधर वो और
मेकअप रूम और उधर हमारा रेस्ट करने वाला। कोई नहीं गाइस, सारी चीज़ों में एडजस्ट करना चाहिए, यही इसी को बोलते हैं सीखना, हर सिचुएशन में खुद को ढाल लो। हाँ, और क्या, जो मिल जाए वही ठीक है, सही है, हम भी खुश सब खुश। अब धीरे धीरे लाइट्स लगेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब लाइट्स लगेगी ना, जब। वैसे ये हमारा फार्म हाउस नहीं है बट फिर भी मैं दिखा दूंगी, तो मैं भी बहुत रहीस होती, तुम भी बहुत रहीस होती, फिर हम बैठ के खाते, फिर हम घर जमाई पकड़ते, कोई है खुशी, फिर हम कोई घर जमाई पकड़ते, फिर तो घर में रहे, हमारे घर में रहे, बस कर रहे हैं काम, हम मालकिन है यहाँ के गाइस। कौन ये तो हो गई अरबपति, देख रहे हो गाइस हम कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या करे, करनी पड़ती है। हम देखते हैं गाइस क्या चेंज करना है, क्या पहनना है, कुछ नहीं पता अभी तो, पता। सो गाइस, मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी थी और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी, और अब मैं जा रही हूँ दोबारा से अपनी दूसरी वाली ड्रेस पहनने के लिए। तो मैं अब पहनूँगी रेड कलर की साड़ी, बिकॉज मेरा थोड़ा सा दुल्हन वाला गेटअप है। सो आई विल शो यू, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है ना। क्या हुआ, आप हाँ, हम ऐसा हुआ है, एक गाने में आदिति और मैं एक ही गाने में है, मैं उस गाने में दुल्हन बन रही हूँ और आदिति मतलब गाएंगी वो गाने, लिप सिंग वगैरह करेंगी जो भी होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि पहला गाना और हम दोनों साथ कर रहे हैं। गुड, सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 3:30, 4 बजने वाले हैं, और हमारा शूट कितने बजे ख़त्म हो जा रही थी, 2 बजे ख़त्म हुआ था, 2 बजे हमारा शूट ख़त्म हुआ। लेकिन जिस फार्म हाउस में हम थे उस फार्म हाउस में एक स्पेशल, क्या बोल रही हूँ, मेरी टंग स्लिप होगी, एक वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि वहाँ पे कैब नहीं आती है, दूर दूर तक पूरा जंगल वाला एरिया है, तो पूरा कैब बुक करने में हमें आधा घंटा लग गया होगा मैक्सिमम, आधा घंटा हमें पूरा कैब बुक करने में लग गया। और उसके बाद इतनी रात को मैं घर कैसे जाती और आदिति घर कैसे जाती, क्योंकि हमारा जो रूट है ना वो अलग अलग है, जो मतलब जो मेरे को ड्रॉप करते, जो टीम थी हमारी, जो हमारे डायरेक्टर सर थे, वो हमें ड्रॉप करते तो वो मेरे रूट पे करते, फिर आदिति रह जाती। इतना ध्यान देती है ना सच में, क्या मतलब मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचती है ना सच में। यार पता ही क्या है, देखो मैं आदिति को ना अकेला नहीं छोड़ सकती, जो बात है, तो इसीलिए अब मैं अकेला कैसे जानती थी कैब में, वो मेरे से होता नहीं। फिर हमने बुक किया होटल और अभी हम हैं होटल में, और अभी हमने मंगाई है 24/7 से कॉफ़ी और कुछ कुकीज़, वो खा लेंगे उसके बाद सोएंगे। मेकअप हमने अपना हटा लिया है दोनों ने, इसे अब अच्छे लग रहे हैं, अब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं सही में। तो गाइज़ अब रात के 3:30 बज चुके हैं, मेरा कल फिर से एक और शूट है, आदिति का भी शूट था पर उसने कैंसिल कर दिया, उसकी मम्मा और दीदी गाँव जा रहे हैं इसीलिए। तो कल का मेरा शूट है और अभी यहाँ से मैं सुबह 6:30 बजे निकल जाऊँगी, अभी मैं सोऊंगी खा के, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मेरे को भी नींद आ रही है। आदिति ने पहली बार काम किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया, सब ने अप्रिशिएट किया, सब तारीफ कर रहे थे पीछे से। चलो गाइज अब चीज़ें आ जाती हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या मंगाया। सो गाइज हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, हम दोनों की कॉफ़ी, और हमने ये वाली कुकीज़ मंगाई है, अब हम इसे खाएंगे और अब हम सोएंगे। पहले तो हम इसमें मिक्स करते हैं अपने शुगर्स, चलो यार मिक्स करते हैं, बनाओ अभी, क्या बनाओ। तो गाइस अभी मैं अपनी कॉफ़ी में चीनी डाल रही हूँ, मुझे ना शुगर तेज़ पसंद है। हाँ आज मैं आदिति को बता देती हूँ, आदिति को ना पता नहीं है कि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे मुंह चलते रहना चाहिए मेरा, और मुझे चाय कॉफ़ी सब कुछ मुझे मीठा पसंद है, बहुत मीठे की मैं मतलब मुझे ये सब फीके, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा फिगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे हो जान दो, चाय दो एक बार पीनी होती है,
सुकून से दिन में चार बार दो। हाँ सुकून से। पर यार ये ना चाय कॉफी पीने के बाद ना रिलैक्स अभी। हाँ लोगों की नींद उठ जाती है ना इसको पी के, मेरे को इसको पी के नींद आएगी। तुम देखना मेरा ना बहुत अलग ही सीन रहता है, मुझे लगता है ना मैं पागल हूँ कभी कभी। सबके जैसा नहीं, कुछ अलग होना चाहिए। मतलब मेरा अलग ही है। और पता है गाइस, मैंने खाना खा लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, सबका पेट भरा हुआ, मुझे भूख लग रही है यार, मैं क्या करूँ। स्कूल टाइम से आ जाता है बार बार। स्कूल टाइम ही पता मैं कैसे खाती थी, थोड़ा थोड़ा सा खाती थी, ऐसा नहीं पूरे एक ही बार में मैं थाली में लेके बैठ गई। लो अलग अलग खाती थी मैं स्कूल टाइम में भी, थोड़ा थोड़ा सा पांच छह बार मैं खा लेती थी एक दिन में, और मैं अच्छी थी। डार्क थी चॉकलेट कॉफी है, सही है ना, हमें हेडक है ना थोड़ा सा यार, दोनों भी भूल दिया था हमने। हाँ तो क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या 24/7 का ये फायदा है, पूरे 24 घंटे दिन रात खुला रहेगा, जो मर्जी खाओ। इसे गरम गरम छू के इतना अच्छा लग रहा है।